गणेश जी का आगमन पूरे महाराष्ट्र भर में हो चुका है। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अमीर, क्या गरीब, हर किसी के घर में गणेश जी पधार रहे हैं। हर कोई गणेश जी की सेवा में लगा हुआ है। भोजपुरी फिल्मों के कलाकार अमरीश सिंह की यदि बात करें तो उनके घर भी गणेश जी पधारे और उनके सभी दोस्त उनके इस मौके पर उनका साथ देने के लिए वहां पहुंचे थे। क्या कुछ कहा अमरीश सिंह और उनके दोस्तों ने, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा दूंगा उस गणपति बप्पा का, जो कि हमारे इस धर्म और हमारे कर्म में सबसे पहली पूजा उनकी होती है, और उनकी आज्ञा बिना शायद हमारी इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री उनके बिना आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनका लाख शुक्रिया अदा करूंगा, जो आज उनका हैप्पी बर्थडे है और हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं सारी फैमिली और परिवार के साथ, जो कि बहुत तुम्बे कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं। राकेश जी अभी लंदन से आई हुई हैं, सपना जी हमारी आंटी जो हमारी माँ हैं, और इसको हम लोग छठवां साल बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, दिन दुगना और हम लोग चौगुना चीजों को बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, बप्पा की देन है। तो मैं सबको थैंक्स बोलूंगा जो यहाँ पे बहुत हमारे सहभागी मित्र आए, मीडिया और सरकार सब लोग आए, मैं उनका लाख शुक्रिया करता हूँ। प्रेम से बोलता हूँ, बोलो गणपति बप्पा। ये मैं सबसे पहले तो जितने लोग हमारे मीडिया से जुड़े हुए हैं, समस्त भोजपुरी समाज को, समस्त आप सभी मीडिया को, समस्त भोजपुरी समाज को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम कि आप लोग हम लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ तक भेजे हैं। एक परिवार एक समूह, हम आप सबके लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहे। दूसरी बात, गणपति बप्पा जो कि हमारे जीवन है, इनके बिना हम एक चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप जब से मुंबई आए हैं ना, जिस तरह से पहले बच्चे लोग थे ना तो दिवाली दशहरा मनाते थे गांव में, महाराष्ट्र में आने के बाद गणपति बप्पा का धूम के ना दिल सच में बाग बाग हो गया। आज गणपति आता है तो याद आती है वही बचपना की, लोग फिर प्रसाद लेते हैं हर जगह घूम घूम के, यहाँ भी मजा वही है। हाँ, मेरे लिए एक खुशी की बात है कि अभी चार दिन पहले मेरी एक फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म का नाम था है कि मानता नहीं, आज वो भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दी। इस बार मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि काफी टाइम के मेहनत के बाद एक फिल्म बहुत बड़ी हिट की कैटेगरी में आई। और अमरीश भाई से मेरा जो रिलेशन है ना, ये हमेशा इंडस्ट्रीज वाइज इनसे मुझे कुछ ज्यादा प्यार मिलता है। जब भी हमें अगर कभी ऐसा लगता है थोड़ा मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ तो मैं भाई को मैसेज कर देता हूँ। तो कल ऐसा ही हुआ कि हम रात को कल बॉम्बे पहुंचे तो भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई आना है, तो देखिए भाई आके गाना उना गाए, पूरा भाई अपना मंडली लगा दिया। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुश हुआ है, धूमधाम से हमने बनाया है गणेश चतुर्थी आज, बहुत अच्छे गाना वाले मिले और फिल्म स्टार भी मिले आज, बहुत अच्छा है हमारे लिए। अमरीश भैया तो भैया मेरा पिलर है, तो उसके पिलर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकत वही है। मैंने देखा है कितना बड़ा हो गया एक्टिंग में, पर इसका दिल बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। बस यही बोलूंगा, थैंक्स बोलूंगा अमरीश जी को, और ऐसे हमेशा ही खुशहाली में बुलाते रहें और ऐसे गणपति बप्पा कृपा करते रहें। बस यही चाहूँगा कि बस अच्छा अच्छा हो। अमरीश जी हमें बुलाए हैं यहाँ पे गणपति के इस उत्सव में, और हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम इस इंडस्ट्री से तो ज्वाइन हो रहे हैं, एक छोटा सा एक फिल्म बनाने के लिए तैयारी हो रही है अभी, और आगे ये सभी लोगों का सहयोग रहेगा हमारे साथ तो हम ये फिल्म को खड़ा करेंगे, आगे इंडस्ट्री जाते रहेंगे। फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र जैसे धरती पर ऐसा बड़ा पर्व मनाया जाता है, तो हम सभी भोजपुरिया लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, सभी का प्यार होता है, मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये गंगा जमुनी तहजीब का जी जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्रतीक जी 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 प्रतीक ही है ये। और ये इतना बड़ा त्यौहार है कि जैसे हमारे गांव में अभी राकेश भैया ने बताया कि होली दीपावली मनाया जाता है, तो यहाँ पर ये पर्व उसी धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं भगवान से यही मनाऊंगा कि हर साल हम लोगों का मुलाकात हो, हर साल हम लोगों का मिलन हो और इसी तरह प्यार बना रहे, खास करके अमरीश भैया का प्यार इसी तरह बना रहे, राकेश भैया का, सभी लोगों का। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को और अमरीश जी को गणपति बप्पा की हार्दिक शुभकामना देती हूँ, और मैं बस यही कहूँगी गणपति बप्पा हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे देवताओं में सबसे पहले उन्हें पूछते हैं, तो गणपति बप्पा का आगमन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, और इसी तरीके से इनके जीवन में भी सारे कार्य शुभ हों, अच्छे हों।